जुहू और चांदनी चौक में फर्क है। अंकल ने अपना ना पूरा हाथ ऐसे नाक में डाल रखा, ठीक है। शादी और पार्टियों के अलग इंतजाम किए जाते हैं। हंसना हंसाना है, रोना रुलाना है। और गाइस कपल्स मेकआउट कर रहे हैं, आगे बैठ के देख लो। हाय फ्रेंच फ्राइज एंड डॉल्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। अपना मुझे बताइए क्या चल रहा है, क्या किया है? इतने दिन मैं गायब था यहाँ से और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं तुम कहाँ हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार मेरे लिए? उसके होठों से अच्छा लगता है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मुंबई क्योंकि कल है एवेटार 2 का प्रीमियर एंड आई एम गोइंग फॉर इट एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड आई होप थिंग्स गो ग्रेट एंड चलो साथ में ट्रैवल करते हैं। ला 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 ला। भाई क्या सुबह सुबह जॉब मिल गया, फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे इतना टाइम लग गया, बट देन आई वाज स्टिल ऑन टाइम बिकॉज मिडिल क्लास एंड आई गॉट द विंडो सीट एंड एज अ मिडिल क्लास पर्सन आई लव इट बिकॉज फ्री का एंटरटेनमेंट। बाय द वे आई गॉट इंडिगो में सैंडविच विच वी हैड प्री बुक्ड एंड इट्स अ बिग डील बिकॉज इंडिगो ऐसे ही सैंडविचेस नहीं देते एंड दे आर क्वाइट अमेजिंग एंड अंडररेटेड, बट इट्स स्टूपिड दैट दे डोंट सेल इट लाइक दैट। अब हम पहुंच गए मुंबई एंड आई एम ऑन माय वे टू मीट माय गुड फ्रेंड जैस्लिन फ्रॉम जुहू। हेलो, वेलकम टू योर ओन कार। व्हाट्स अप? सो जस्ट लेडी वाज सेइंग समथिंग ऑफ कैम, सो आई वाज जस्ट सेइंग दैट योर हेयर कट इज रियली गुड। ओह थैंक्स, ये सब मेरे हेयर ड्रेसर का कमाल है मेरा। बट एनीवे वी आर गोइंग टू सोहो हाउस एंड वी वोंट बी एबल टू यूज फोन on the 10th floor apparently, that's what Jazz was telling me. तो मैं तुमसे खाने पीने के बाद ही मिलता हूँ क्योंकि वो काम पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ वो दिखा दे। तो कोई डांट तो नहीं देगा, हटाओ इसको। नहीं नहीं नहीं, लॉबी में कोई कुछ नहीं है। क्या है कि तो दिखाए। So guys, we had an amazing meal at Soho and the place is very beautiful and sad I couldn't shoot there. Jasleen ने मेरे को ऐसे फोन पकड़ने के लिए मना कर दिया कि यहाँ कॉल मत कर, यहाँ कॉल करना अलाउड नहीं है। लॉबी में जाके बात करी किसी से अर्जेंट, मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस है ना, बोर्डिंग स्कूल में आ गए। बट विद गुड फूड अभी हम जस्टीन के साथ आए हैं टू शॉप हियर। सर ऑनलाइन पेमेंट है, थैंक यू। सो हम आए हैं सांता क्रूज टू डू सम ज्वेलरी शॉपिंग नकली वाली फॉर समबडी द वेडिंग दैट जैस हैज टू अटेंड। व्हाट डू यू लाइक टू से समथिंग? या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर हेल्प। टू माय हेल्प? By the way, she doesn't remember the way to the roads in her own town. I'm geographically challenged. Yeah, yeah, same. But मुझे तो चांदनी चौक के सारे रास्ते पता हैं। मुझे भी जुहू के सारे रास्ते पता है और बोल तो जुहू और चांदनी चौक में फर्क है क्या? इंट्रिकेट मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे भी Guys, I wanna tell you, मुझे लगता था तिलक नगर में सुंदर सेट्स मिलते हैं और मुंबई में क्या ही मिलता होगा, बट जसलीन took me to the shop called Silver Plaza and the amount of beautiful jewels that I have seen has blown my mind and Jasleen has done some bhari shopping from there, so everything is so beautiful. Do you guys want Jasleen to do a haul on her page or not? Comment से बताना and she'll do it. तो करेगी? करूँगी। Yay! सदियों बाद गाइस मैं ऑटो में बैठा हूँ जिसमें मीटर से पैसे दे रहे हैं हम, वरना हर बार रेट तय करके चलना पड़ता है या फिर ओला ऑटो। जस्टली रिलैक्स हियर। तो गाइस अब हम आ गए हैं जसलीन की छत पे, ये बैकग्राउंड ऐसे लग रहा है फोर्ट अग्वाड़ा की दीवारें एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेरेस। I'm gonna show you Jasleen यहाँ पे अपने shoots करती है and it's such a pretty place. Just look at this. Excuse me. Hi. ये चदरें हटाई है ताकि सब दिखने में अच्छा लगे, but guys यहाँ से बीच दिख रही है, what else do you want? Such a pretty place यार Jasleen. You know this is the kind of place where you sit and say क्या कर रहे हो, वक्त को गुजरते देख रहा हूँ। चाय के साथ। Exactly. So nice. क्यूट यार, पूरा ऐसे शादी और पार्टियों के अलग इंतजाम किए जाते हैं। बस कोई शादी करने वाला मिल जाए। मेरी करा दो। गाइस मैं पहली बार मुंबई के बीच पे आया हूँ किसी, एंड इट्स सो नाइस डिस्पाइट ऑल द क्लटर, क्यूट ओनली बट।
guys, I have come to bandstand with a friend, and what we saw here is something amazing. Can you all see? ये जो white color की diamond की plate है, ये मन्नत है guys. This is मन्नत. And मैंने यहाँ पे photo भी खिंचवाई ऐसे fanboy की तरह, मजे आ गए बिल्कुल. और मैं उस photo का caption डालूँगा क्या? सोने की डॉलर डायमंड की नेम प्लेट. ऐसे पत्थर ना मैंने पहली बार मुन्ना भाई मूवी में देखे थे, और तब मुझे लगा था कि ये नेचुरली फॉर्म होते होंगे. मेरे को लगा ऐसे होते पत्थरों की फॉर्मेशन, बट फिर मुझे पता चला ये मैन मेड है. ऑब्वियसली ज्योमेट्री कर रखी है इतनी. वैसे तो नेचर को भी बहुत अच्छी ज्योमेट्री आती है, इसलिए मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता. और गाइस कपल्स मेकआउट कर रहे हैं, आगे बैठ के देख लो. मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम खुद देख रहे हो. एंड देन वी हैड बर्गर्स एट गुड फ्लिपिन बर्गर्स. मैंने ऐसे ऑटो में से देखा है, नाइस. Thought to myself, अरे आई नो दिस वन, यहीं पे ही खा लेते हैं. वैसे उनके पास वेज में चार ही बर्गर ऑप्शंस थे, बट इनसेन, लाइक 10 ऑन, आई थिंक 11 ऑन 10 इनफैक्ट रेकमेंडेड. डू ट्राई इफ यू हैवंट. देखो गाइस यहाँ कौन आया. हाय डूडल कुमारी. हाय धारणा. बहुत मजा आ रहा है इसको. रोज व्लॉग डालता है. आर यू क्रेजी? ये व्लॉग 4 हफ्ते बाद बन रहा है. कोई चीज वो भी पता नहीं लाइव जाएगा नहीं जाएगा. इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला. हाँ मैंने नेहा डूडल्स को ले लिया तो कहाँ इंटरेस्टिंग होगा. ये क्या खा रही है तू, बटर स्कॉच का साथ? नहीं ये क्या खा रही है तू, बटर स्कॉच का साटा? इतनी मोटी, बहुत मोटी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीग्रेन. वाओ. और मुझे पहचान है अच्छे खाने की, तो मैंने अच्छा खाना. एक एक बाइट खा के दिखा दीजिए कैमरा में. हम देखना चाहते, हम सिर्फ देखना चाहते है. आया अच्छा नहीं है क्या? ओ अच्छा अच्छा, जैसे किम कार्डाशियन बर्गर खा के बोलती है बहुत अच्छा था वो. फिर क्यों मंगवाया तूने? ओह माय गॉड धरना वेस्टेज ऑफ मैदा. मैं मेट्रो में गई थी, एक लड़की बेहोश हो गई और सब उसके आसपास से इकट्ठे हो गए. एक आंटी ने कहा कि अरे इसका शुगर लो गया होगा या बीपी लो गया समथिंग, इसको कुछ मीठा खिलाओ. तो एक और बंदी ने अपने पर्स में से हाइड एंड सीक बिस्किट निकाला और उसको, हाँ और उसको दे दिया. ठीक है, फिर वो बंदी मतलब उसको ऐसे होश आ गया और वो नॉर्मली बैठ गई. अब क्या हुआ, उस पॉडकास्ट में मैं ये स्टोरी जब बता रही थी तो मैं ये बोलना भूल गई कि वो लड़की उठ के बैठ गई और नॉर्मल हो गई. मैंने सिर्फ ये बोला कि वो लड़की बेहोश हो गई थी और उसने हाइड एंड सीक का बिस्किट लिया, और फिर मैंने वो आंटी को बोला कि मुझे भी दे दो, और उन्होंने नहीं दिया. अब वो उस यूट्यूब शॉर्ट में ना सिर्फ ये है कि वो बेहोश पड़ी हुई है और मैं मांग रही हूँ. अंकल ने अपना ना पूरा हाथ ऐसे नाक में डाल रखा. ठीक है, डाल के दिखाओ ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा. Now when somebody has their like finger up their nose na, it is like an accident. Like you don't want to look at it, but tu to mere banda halka sa aise periphery se tum dekh le. To fir mere ko realize hua ki unhone kuch nikala hai naak se, unhone main periphery se dekh rahi thi aur aise gol gol kar rahe ho. Total kumar, that is it. फिर उसके बाद वो किसी और स्टेशन पे, कोई स्टेशन पे उतरना होगा, निकल लिए वहाँ से. उसके अगले स्टेशन पे मुझे उतरना था, तो मैं उतरी. मैंने उस दिन ना एथनिक कपड़े पहने हुए थे. ठीक है, मैंने एथनिक कपड़े पहने हुए थे. तो जब तुम मेट्रो के दरवाजे पे खड़े होते हो तो वहाँ पे शीशा सा होता है ना, तो वहाँ पे ना ऐसे बिंदी सी लगी हुई बिंदी लगा लेते हो. Photo ko seene se.
अजल हंसना है सोना है रोना रुलाना है एक मिनट हंसना हंसाना है रोना रुलाना है खोना है पाना है फिर मुस्कुराना है अब भी गूगल कर अब भी नेहा गूगल कर जो आएगा वो क्या करेगा पनिशमेंट मैं तो जीतूंगा तो तुम रेडी रहो पनिशमेंट मैं क्या है कौन सा सीरियल कौन सा है कहानी घर-घर की कहानी घर-घर की ये कह रही है हंसना है गाना है ये मेरे को बताएगी जो रोज रात को क्यूकी और कहानी देखने के बाद 11 बजे सोता था अधेर बारों का अधेर क्या होता है आदर बड़ों का वहाँ गंगा जल है रोना रुलाना है खोना है पाना है फिर मुस्कुराना है कहानी हर घर की कहानी घर घर ओ जी इसको ना लिरिक्स नहीं चाहिए ओके नेहा गूगल डूडल सुबह हो गई है गाइस मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ बिकॉज़ मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ता किसी के लिए भी ब्रेकफास्ट तो मैं खा के रहता हूँ फ्री का देखो दोस्तों मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा डाल लिया है और मैं कई लोगों की तरह नाश्ते में सिर्फ मीठा या सिर्फ फ्रूट्स नहीं खाता हाय अश्वी क्या ये आलू है वाओ यशवी मम्मी जो चीजें घर पे नहीं थी मैं बाहर आके खाती हूँ मम्मी कहती जाओ महंगा खाना खाते देखो सूट कर रहे हैं महंगा खाना फॉर अ चेंज मेरी स्किन देख कितनी चमक रही है सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर बहुत कमाल की चीजें हैं लाइफ में आईफोन और ये है हाइलाइटर का कमाल लगाया है ब्लश लगाया आज धारणा का दिख नहीं रहा सफेद सफेद हो रखा है इट्स ओके गाइस मेरी स्किल्स ही परफेक्ट है ऐसा बस मैं प्रूव करना चाहता हूँ रश्मीत ये सैड नाश्ता किसके लिए ले जा रही तू ये नाश्ता ये इकट्ठा ओ अच्छा बिकॉज ये प्लेट देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था ये कैसे लोग नाश्ता करते हैं कमेंट्री मजे आए मैं देखो जेन्युइन वो देता हूं जेन्युइन फर्स्ट मूवी वाज अबाउट मैन वर्सेस एनवायरनमेंट यस सेकंड मूवी वाज मैन वर्सेस वाइल्ड नो इट वाज अबाउट दैट आल्सो बट द सेकंड मूवी वाज मोर अबाउट जेक वर्सेस द कर्नल या इट वाज क्वाइट पर्सनल इन दिस या 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 बट इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग साइड सब कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट यहां डूडल की शक्ल देख लो इतना पानी मैंने देख लिया है मुझे डिहाइड्रेशन हो चुका है मुझे पानी ना बहुत पसंद है सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगा अच्छी मूवी है और मेरे व्हाइट बाल दाढ़ी के दिख रहे हैं यार बहुत हो गए हैं यार कोई बात नहीं अब बुढ़ापा तो आना ही है दाढ़ी के बट दाढ़ी के क्या कह रहे हो नेहा डूडल्स मिंटी मसाला और नेहा डूडल्स की तरफ से मेरे लिए ये कैलेंडर वो भी मुफ्त वैसे कितने का है पैसे कमा लिए पता नहीं लिटरली एंड मेटाफोरिकली और धारणा कैसी है तुम अच्छा क्या बोले बहुत अच्छा मैंने रिव्यू नहीं मांगा देर से बट वैसे बता भाई भाई अपना या मैं जा रहा हूँ गाइस यहाँ से वापस दिल्ली और दिल्ली में मिल लिया करना मतलब कल रात तो उन्होंने काफी पार्टी करी टाइम से सोते भी नहीं अपना पूरा एंजॉय करते हैं तो याद तो बहुत आएगी बस गाइस फिर इसके बाद हम चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में यार एक बार यहाँ पे भीड़ देख लो जरा ऐसा लग रहा है पता नहीं किसकी शादी हो रही है तो डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हैं पूरी दुनियादारी उठ के शुक्र है मैं 3 घंटे पहले आ गया मिडिल क्लास लोगों की तरह सो आई टेकन राजमा राइस नॉट बिकॉज आई एम हंग्री बट मोर बिकॉज आई एम बोर्ड सो आई एम जस्ट गोना हैव दीज ऑल्दो मेरे को इतनी भूख लगी नहीं है एंड इतने खूबसूरत भी नहीं दिखते बट आई स्टिल कोई ऑप्शन नहीं है तो मंगवा लिए और मैंने मोती महल से ही लिए कोई फ्लेवर नहीं है बस मिर्ची है मैंने सोचा फिर तुमको अपना फिट चेक दिखा दूँ लेकिन फिर जो हरकतें मेरी थी और लोग मुझे घूर रहे थे तो फिर मैं शर्मा के अपनी औकात पर वापस आ गया बैठ गया चुपचाप मुझे बहुत नींद आ रही है और अभी भी पता नहीं मेरी बोर्डिंग की कब स्टार्ट होनी है
गाइज फ्लाइट में ना कोई नागिन के एपिसोड्स डाउनलोड करके लाया था तेजस्विनी प्रकाश वाले सीजन के, और मेरे को इतनी जलन हो रही थी देख के, क्योंकि मैं तो ट्रू क्राइम पॉडकास्ट के एपिसोड्स डाउनलोड करके ले गया था और मैं इतना बोर हो रहा था सुनते सुनते, क्योंकि बस हो गया ना एक लिमिट के बाद, मुझे भी नागिन देखना है। Hi, I have come back to my house. I've just entered, and what I realize is that my look today is coffee cute. And if anybody saw me like this while walking at the airport, carrying my beautiful luggage, one second, let me give you a full look of how I was today. I think it's quite nice, guys. What do you say, huh? It's very fashion and very nice for airport and everything. And oh, is this beauty? Wow. I'm so tired. और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे हल्का हल्का cold भी हो रहा है. But it was a good movie, which is why I think it was slightly worth it. Worth going to Mumbai to watch the movie and then come back. But yeah, मुझे याद नहीं Avatar कब आई थी, but बहुत पहले आई थी. And I went with my भाई भाभी. And my bhabhi's brother, like four of us went to watch that movie. And I'm not sure, I don't remember much, but I think it was my first ever 3D movie. And I still remember wo jungle wale scenes mein aise wo chote chote keede mukode jo ud rahe the, and I was like, this is so cool, like I've not seen something like this. So yeah, I think that was mine. Do you guys also remember your first 3D movie in theaters? If yes, then let me know, and I hope it's not Brahmastra, because what? Anyway, so I think I'll finish this vlog here only, and I hope you enjoyed it. And it was a मेरे को तो क्यूट ही लगा, मैंने क्विक क्विक चीज़ें रखी एंड थोड़ी बहुत चीज़ें करी भी इस बार, वरना एवरी ट्रिप दैट आई डू इज वेरी काम करा सोए और उठ के आ गए. इस बार आई वॉज लाइक कि इस बार मैंने जान के अपनी टिकट ना सुबह की कराई थी कल, वो मेरे को वैसे पूछ रहे थे इफ़ यू वांट टू कम डायरेक्टली एट नाइट ओनली, आई व्हाट्स द पॉइंट, सोने आना तो मैं सो के दिल्ली से ही सुबह ही आ जाऊँगा ना फिर. सो आई वाज लाइक आई नीड लाइक अ लिटिल डे वेयर आई कैन मीट माय फ्रेंड्स, डू लिटिल थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड आई होप यू एंजॉयड इट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और द नेक्स्ट वीडियो दैट आई मेक, एंड टिल देन लव यू, बाय डॉल्स, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर द टाइम यू आर वॉचिंग इट, एंड व्हाटएवर एरा. Up to you, but love you always.